हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा कि आपको वेगस नर्व को रिलैक्स कैसे करना है, वेगस नर्व की मसाज कैसे करनी है ताकि वो रिलैक्स हो जाए अच्छे से, और आपको आपके जो टिनाइटस में जो आवाज़ आ रही है उसमें आपको कैसे रिलीफ मिले, कैसे आराम मिले। तो उस हिसाब से जैसे मैंने जिस उस समय फॉलो किया था वेगस नर्व को रिलैक्स करने के लिए, अपने टीनाइटिस की आवाज़ को कम करने के लिए, तो वही सारा प्रोसेस आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपका जो टीनाइटिस की आवाज़ है वो काफ़ी डाउन हो जाए। ठीक, तो वेगस नर्व क्या होता है और ये कहाँ पे होता है, कैसे ये बॉडी में, कैसे ये कान के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए मैंने पीछे वीडियो बना दिया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पर देख सकते हैं आप। और अगर आपको नए हैं तो चैनल पे मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे वीडियोस टीनाइटिस का जो जेन्युइन सोल्यूशन है वो सारा आपको इस चैनल पे मिलेगा। ठीक, और आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं भी टीनाइटिस का पेशेंट था और इस समय पूरी तरह मैं क्योर हो चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ये सारा सोल्यूशन वीडियो के फॉर्मेट में इस चैनल पर दे रहा हूँ। तो इन शॉर्ट में मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि वेगस नर्व एक्चुअली क्या होता है, शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि मैंने पीछे वीडियो में बना दिया है, वहाँ पे जाके आप डिटेल में दे सकते हैं। इस वीडियो में आपको मसाज के बारे में बताऊँगा। तो वेगस नर्व दोस्तों पूरे बॉडी में हमारे फैला होता है, हर तरह के सभी ऑर्गन में, सभी ऑर्गन के साथ ये जुड़ा होता है, हार्ट से भी, लीवर से भी, किडनी से भी, एंड यहाँ से होते हुए आपका ये गले से यहाँ पे होते हुए साइड से ये कान से जुड़ा होता है। कान से अटैच होने से क्या होता है कि जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं या हैवी वेट उठाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम है, ठीक, आपको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम है, नज़ला है, या फिर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, तो इससे क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा वेगस नर्व में बहुत ज़्यादा खिंचाव आ जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है। ठीक, स्ट्रेस लेने से, या फिर उसका कई सारा रीज़न हो सकता है। तो उस पर क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होने से क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि स्ट्रेच होने से वेगस नर्व में कंपन शुरू हो जाता है, वाइब्रेशन। ठीक, वाइब्रेशन शुरू होने से ये आवाज़ नॉइज़ जनरेट करने लगता है, और तो और आपके बॉडी के बैलेंसिंग भी आपकी बिगड़ जाती है और आपको चक्कर आने लगते हैं और कई सारा इसमें सिम्टम दिखता है। ठीक, तो डिटेल में जाने के लिए पीछे वीडियो में देखिए। आज की वीडियो में आपको इसको रिलैक्स करने का जो प्रोसेस है, जो मसाज है, वो आपको कैसे करना है वो उसके बारे में बताऊंगा। तो ओके दोस्तों, इसको आपको डेली ऑनेस्टली ईमानदारी से सुबह शाम दोनों टाइम आपको मसाज करनी है ताकि आपको जो वेगस नर्व हो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। यहाँ से पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा मसाज, और यहाँ से पूरा इसको आपको बॉडी को, यहाँ पे जो वेगस नर्व यहाँ से जा रही है उसको पूरा पूरी तरह से आपको रिलैक्स करना है। तो ओके दोस्तों, मैं आपको अब समझाता हूँ कि आपको मसाज करनी कैसे है। तो चलिए मैं इसको बैठ के आराम से अच्छे से आपको बताऊंगा। तो ऐसे आपको भी करना है बैठ के, या फिर आप लेट के भी कर सकते हैं, आप खुद से भी मसाज प्रयास कर सकते हैं करने का, ऑलमोस्ट पूरा कर लेंगे खुद से, लेकिन आप घर में किसी की मदद ले सकते हैं, सिस्टर की, मदर की, तो आप हेल्प ले लीजिए, उससे आपको काफ़ी सही रहेगा। और तो और आप इसमें आपको शुद्ध सरसों का ऑयल होगा घर में, आपको सरसों का तेल यूज़ करना है, आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं मसाज करते समय। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बैठ के अच्छे से बताता हूँ। ठीक, हेलो दोस्तों, तो वेगस नर्व को रिलैक्स करने के लिए आपको सबसे पहले क्या होना है कि एकदम रिलैक्स पोजीशन में अच्छे से बैठ जाना है, एकदम नॉर्मल रिलैक्स, किसी भी तरह का आपके बॉडी में तनाव नहीं होना चाहिए। आप ये क्रिया, ये मसाज आप लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, और ज़रूरत यहाँ पे ये है कि आपको एकदम बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना है। ठीक, स्टार्ट करने, वेगस नर्व मसाज को स्टार्ट करने से पहले आपको 5 बार कम से कम ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग आपको करनी है। जैसे ब्रीदिंग करते समय आपका जो सांस है, ब्रीदिंग है, वो आपको यहाँ तक नहीं, आपको पेट तक ले जाना है, स्टमक तक, पूरा आपका जो पेट है वो पूरा बाहर तक आना चाहिए। ठीक है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। आपको 5 टाइम्स क्या करना है कि डीप ब्रीदिंग में आपको धीरे धीरे सांस को
ऊपर ले जाना है, भरना है, पूरा पेट में भरना है। जब भर जाए पूरा पेट में तो आपको थोड़ी देर के लिए, 2 सेकंड के लिए आपको यहाँ पे रोक लेना है सीने पे, ठीक, सीने पे 2 सेकंड के लिए रोकना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको रिलीज करना है, ठीक है। आपका मन क्या करेगा कि जल्दी से रिलीज कर दे सांस को, लेकिन आपको जल्दी से नहीं रिलीज करना है। अगर आप जो धीरे धीरे सांस को रिलीज करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा उससे। आपको अंतर समझ में आएगा कि जल्दी छोड़ने से क्या प्रॉब्लम है और आराम से धीरे धीरे छोड़ने से क्या फायदा होता है। तो ओके दोस्तों, तो ये हो गई 5 बार आपको डीप ब्रीदिंग करना है स्टमक तक, ठीक, ऐसे करना है। ठीक, आपको 5 टाइम्स ये ब्रीदिंग हो गई। देन उसके बाद क्या करना है, आपको नेवल नाभि में आपको सरसों का, शुद्ध सरसों का तेल लेना है, उसको नाभि में लगाना है, नाभि की में बीच में लगाना है। और उसको क्या करना है, ऐसे घड़ी की दिशा में, क्लॉक वाइज घड़ी की दिशा में इसको ऐसे से रोटेट करना है, ठीक, उसका मसाज करना है, ठीक है। नाभि के आसपास भी आपको ऐसे से मसाज करेंगे और आपको ऐसे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में भी मसाज करना है, ठीक है। 2 से 3 मिनट आपको यहाँ पे, कम से कम आप 2 से 3 मिनट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 से 8 मिनट या 10 मिनट तक आप जा सकते हैं। 10 मिनट तक करेंगे तो ज़्यादा होगा, 5 मिनट आप करिए बहुत बेटर रहेगा आपको। और इसमें सरसों का तेल लगाइए जिससे कि आपको वहाँ पे ठंडक पहुँचेगी, जो कि सीधा सीधा कनेक्शन आपका वेगस नर्व को, जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, जो वाइब्रेशन हो रहा है वो टेम्परेचर की वजह से भी होता है, तापमान की वजह से। तो यहाँ से जब अगर नेवल में, नाभि में जब तेल डालेंगे तो आपको वो बहुत ही ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने से, टेम्परेचर डाउन होने से क्या होता है कि वेगस नर्व में जो आपका नॉइज जनरेट हो रहा है वो रिलैक्स होगा, वो कंपन कम हो जाएगा। तो ये क्लॉक वाइज आपने 2 से 3 मिनट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि वेगस नर्व ये ऊपर की तरफ आ रहा है तो आपको ये ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे उसको ऐसे ऐसे मसाज करना है, ठीक है। सरसों का तेल लगा लेना है जिससे आपको इजी रहे आपको मसाज करने में। तो सर आपको ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ मसाज करना है, दोनों अंगूठों में भी सरसों का तेल पूरा हाथ में लगा लेना है। देन ऐसे ऊपर की तरफ आपको ऐसे 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 मसाज करना है, ठीक है। ये जो सीने में बीच में लाइन जाती है उसमें क्या करना है, यहाँ साइड में थोड़ा सा साइड में होते हुए ऐसे करते हुए चले जाना है, ठीक, ऊपर की तरफ मसाज करना है। और कहाँ तक करना है, ये कॉलर है, ये शोल्डर का जो पॉइंट है, ये ऐसे करते हुए यहाँ पे आना है और ये कॉल, फिर उसके बाद आपको ऐसे कॉलर से ऊपर की तरफ ले जाना है, ठीक। देख लीजिए इसमें आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे अंगूठे हैं, इसको ऐसे रख के कॉलर पे ऐसे ऊपर की तरफ आपको ये कान के नीचे तक ऐसे ले जाना है, ठीक, कान के नीचे तक ऐसे कॉलर से ले जाना है, ठीक है। तो ये हो गया, ये सामने का प्रोसेस है, सामने आपको इस तरीके से मसाज करना है, ठीक। पूरा यहाँ से ऐसे मसाज करते हुए आपको ये शोल्डर तक ले जाना, फिर इसके कॉलर से ऐसे ऊपर की तरफ इसको यहाँ पर ले जाना है कान के नीचे तक। तो ये हो गया सामने का मसाज। अभी आपको पीछे भी इसका मसाज करना है, दोनों अंगूठे से क्या करना है, जो रीढ़ की हड्डी है मिडिल में जो गड्ढा रहता है, आपको उसके साइड में ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे मसाज करते हुए पूरा यहाँ सर्वाइकल की, ये जो पूरा गर्दन का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ तक ले आना है पूरा नीचे से, ठीक है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या करना है। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये दोनों अंगूठे हैं, इसमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे करते हुए, आपको ये पूरा बीच से यहाँ तक ले आना है। यहाँ तक ले आने से क्या करना है, उसके बाद भी आपको ये ऐसे करके ऊपर की तरफ ले जाना है। वेगस नर्व यहाँ पे जुड़ा होता है तो उसको रिलैक्स करने के लिए आपको ये ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ आप ले जाइए, ठीक, ऐसे।
ऐसे आप ऊपर की तरफ इसको ले जाइए ताकि वेगस नर्व अच्छे से रिलैक्स हो, और आपको इस तरफ से भी यहाँ साइड से भी आपको ऐसे ले जाना है। तो दोस्तों लाइट थोड़ा कट गई है, तो इसमें लाइट थोड़ा डाउन है, आप समझने का कोशिश कीजिए बस। तो इसमें क्या करना है, आपको सामने का पार्ट मैंने बता दिया, आपको सामने कैसे मसाज करनी है और ये ऐसे साइड में आपको ये कैसे मसाज करनी है, ठीक। तो उसके लिए 1 मिनट,